जब रमज़ान की पहली शब आती है तो अल्लाह सुबहान वाली तमाम वो जो लियाकत रखते हैं ना माफ़ी की सबको माफ़ कर देता है पहली ही रात में आखिरी रमजान तक का जो शब कदर का इंतजार नहीं होता अब जो बाद में रिवायते हैं कि शब कदर में अल्लाह माफ करता है मगफरत करता है वो क्या है फिर वो ये कि मगफ़िरत में इरतका होता रहता है मफफरत और ज्यादा बढ़ती रहती है रहमत और ज्यादा बढ़ती रहती है पहली शब में माफ कर देता है अल्लाह सबको को देखिए अल्लाह रज़ाक मतीन है उसकी जानब से बेनायत रिस्क है लेकिन इस्तेदाद का फर्क है हर एक में जैसे ज़मीन पर बारिश बरसती है तो हर जमीन पर अलग असर होता है अल्लाह की जानब से बेनायत रहमत है हमारी इस्तेदाद का फ़र्क है जो शहर के वक्त का रिस्क है ना वो किसी और वक्त पे नहीं है वो फकत मैं रमज़ान की बात नहीं कर रहा मैं सारा साल की बात कर रहा हूँ आयतुल्ला सैयद मेहदी बहलूम जिन्हें मैं कहूँ रफ़ीक एमाम जमाना जैसा वो जब खुद चाहते थे माम जमान से मुलाकात करते थे एक मरतबा उन्होंने दर्ज देना छोड़ दिया अपने शागिदों को नजफ़ में तो उनके शागिर थोड़ा सा परेशान हुए कि हमारे उस्ताद ना मरीज हैं ना आ, किसी और काम में मसरूफ हैं तो क्यों वो दर्ज देने हमें नहीं आते तो कुछ शागिद उनके पास क्यों उन्हें कहा कि आपने हमें दर्ज देना क्यों छोड़ दिया इसलिए कि सहरी का वक्त जो नमाज शब का वक्त होता है मैं गुजर रहा था क्योंकि नजफ़ में घर छोटे छोटे से होते थे अगर अंदर कोई जिक्र हो रहा है इबादत हो रही बहरहाल आपको महसूस हो जाता है का मैं तुम में से कई घरों के बाहर से गुजरा कोई तिलावत कुरान की आवाज़ नहीं थी कोई जिक्र ख़ुदा की आवाज़ नहीं थी कोई नमाज शब नहीं था कुछ भी नहीं था ऐसा लग रहा तुम सब सो रहे हो फजर के वक्त नहीं नमाज शब के वक्त कहा जब तुम नमाज शब ही नहीं पढ़ते हो तो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम यह का गदर्स लो तो उसके बाद उनके पास शागिरद आया उन्होंने आके उनसे माफी मांगी उन्होंने हौज़ुर खाई की उन्होंने कहा कि हम माजत चाहते हैं अब से हम इसकी पाबंदी करेंगे तो शहरी का जो वक्त है ना उस पर ख़ास रिस्क है अल्लाह व तआला की तरफ से जो रिसके मानवी की मैं बात कर रहा हूँ रिस्के मादी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं रिसके मानवी की बात कर रहा हूँ हजरत याकूब के फर्जन आते हैं उनके पास या बाना इसतफ फिर लना दोनों बना आप हमारे लिए मकफरत तलब कीजिए सुबह की बारगाह में हजरत याकूब खुद नबी खुदाएं लेकिन फ़ौर नहीं मफफ़रत तलब करते कहते हैं सऊफ अस्तफिरकुम रब्बी अन करीब मैं तुम्हारे लिए मकफरत को तलब करूंगा अल्लाह सुबह से और अखर आलासर तल जुमा अदरत याकूब ने उस मगफरत को मुलतवी किया शब जुमा की सहर पर कि मैं उस वक्त मगफरत तलब करूंगा शब जुमा हर शब जुमा सहर का वक्त एक ख़ास सुबहान तला की जानब से इनाजात है और रमजान मुबारक में जैसी इनाजात है वैसे है ही नहीं कहीं किसी और माह में तो जो नमाज शब के आदि नहीं है वो कम अज कम नमाज रमज़ान मुबारक में नमाज एशब के आदि हो जाएँ ग्यारह रकत ना पढ़ सकें कम अज कम अपने ऊपर वाजिब तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं कह रहा हूँ वाजिब समझते हुए तीन रकत तो कम अज कम पढ़ें ही पढ़ें ये आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं आप कहीं पर आ रहे हैं ड्राइव करते हुए जा रहे हैं उस भी पढ़ सकते हैं बड़ी सहलत दी है सब्बल तक उसको आप अंजाम दें सहर और अफतार में आप सूर नजल्ला को पढ़ें अल्लाह सहर और अफतार में जो सैन सुर को पढ़ता है उसके दरमियान के वक्त में शहीदों का जरता फरमाता है